हेलो गाइस, आज हम ऐसी किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे जिस जो आपकी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती हो, या फिर आपकी चिंता को बढ़ाती हो, या फिर आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करती हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने मार्क्स लाने पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना मार्क्स हमें लाना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे, इन सभी बातों का समय अभी नहीं है। इसके लिए अभी पूरी काउंसलिंग बाकी है, तो ऐसी कोई बात आज हम नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि 13 सितंबर 2020 कल के दिन नीट यूजी 2020 का एग्ज़ाम है, तो किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सको। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और ख़ास करके जब वो नीट की एग्ज़ाम हो जिसमें 16 लाख स्टूडेंट अपीयर हो रहे हों, और कॉम्पिटिशन इतनी टफ हो, पेपर का पैटर्न इतना टफ हो, समय इतना कम हो, तो ऐसे में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप जितना ज़्यादा शांत रहोगे, जितना ज़्यादा एन्जॉय करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। शांत रहने का मतलब है माइंड को शांत रखना, माइंड को कूल रखना, माइंड को काम रखना। काम रखने से क्लियरली मतलब यही है कि आपके मन में जितने कम डाउट्स आएँ उतना अच्छा है, आपके मन में जितनी कम चिंताएँ आएँ उतना कम अच्छा है। कितना रिवीजन हो गया, कितना रिवीजन बाकी है, इन बातों से आपकी चिंता और बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा ये चिंता बढ़ेगी उतना ही खराब परफॉर्म आप नीट यूजी 2020 के एग्ज़ाम कल के एग्ज़ाम में करोगे। तो इसलिए अब वो समय नहीं है जब आपको पढ़ने की चिंता करनी है। वो समय बीत गई, आप लोगों को जितनी चिंता करनी थी आपने कर ली, जितना प्रिपरेशन करना था आपने कर लिया। अब वो समय है कि जो आपने प्रिपरेशन किया है उसे आप प्रैक्टिकली डिसाइडिंग डे के दिन पेपर पर उतारो, और इसके लिए आपको काम रहना, शांत रहना, कूल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम रहने के लिए या कूल रहने के लिए अच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स से हंसी मजाक करो, आप अपने क्लोज फ्रेंड से बातचीत कर सकते हो, जिससे कि आप शांत रहो, फ्री रहो। और अगर कोई टॉपिक जिसको आपको रिवाइज भी करना है तो उसे इतनी लाइटली रिवाइज करो, इतनी एंजॉय करके रिवाइज करो कि आपको लगे ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हो। अब बस उसे हंसते खेलते हुए उन टॉपिक्स को रिवाइज कर दो। इन सब का मकसद एक ही है कि जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। किसी न्यू टॉपिक्स को पढ़ने का अभी सोचना भी नहीं है। जो टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है उन टॉपिक्स को आप हंसी मजाक में, हंसते खेलते रिवाइज कर सकते हो, और रिवाइज करने के बाद आपको कल जाकर के एग्ज़ाम में बैठना है और उन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आराम से उन क्वेश्चंस को करना है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जब आप घर से निकलो एग्ज़ाम हॉल के लिए, एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो हेल्दी डाइट, हेल्दी ब्रेकफास्ट करके निकलो, जिससे कि आपके अंदर वो एनर्जी मेंटेन रहे। कुछ फ्रूट्स वगैरह खा के निकलो जिससे कि एनर्जी आपके अंदर एनर्जी रहे और वो काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन करे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम 2 बजे से है, 5 बजे तक वो एग्ज़ाम चलेगी, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें आप क्वेश्चंस को पढ़ने, समझने और उसे सॉल्व करके करेक्ट आंसर को टिक करने में जो आपकी एनर्जी ख़त्म होगी, जो एनर्जी आप लूज़ करोगे वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके लिए आपके अंदर एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से हेल्दी ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स वगैरह या बादाम वगैरह खा करके आपको अपने घरों से निकलना चाहिए कि आपके पास एनर्जी का सोर्स अंदर में रहे और आप सही तरीके से चीज़ों को कर सकें। जो इंस्ट्रक्शंस एनटीए की तरफ से दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से फॉलो करो। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने के लिए बोला गया उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अभी ही अरेंज करके रख लो, या आज रात तक ही अरेंज करके रख लो। उन डॉक्यूमेंट्स को, एडमिट कार्ड को अच्छे से पढ़ लो, देख लो और जान लो कि आपको कहाँ जाना है, वो आपके घर से कितनी दूर है, क्या ट्रैफिक कंडीशन हो सकती है। वैसे तो कल संडे का दिन है तो ट्रैफिक ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, मगर फिर भी क्या ट्रैफिक कंडीशन हो सकती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग ट्रैफिक कंडीशन हो सकती है, क्या वेदर कंडीशन है, इन चीज़ों को देखते हुए एक जो अप्रोप्रिएट टाइम है उस टाइम पे आप अपने घर से निकलो, जिससे कि सफिशेंट टाइम आप, क्योंकि अगर आप हड़बड़ा के घर से निकलोगे क्या और
कम समय के में अगर आप निकलोगे, हड़बड़ा के आप मतलब जल्दबाजी में अगर आप रश करके सेंटर पे जाओगे, तो ऑब्वियसली वो आपके अंदर एक पैनिक भरा सिचुएशन अराइज करेगी, जिसके वजह से फिर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। मगर अपना मोटिव, हमारा मोटिव अभी फिलहाल यही होना चाहिए कि जितने कम स्ट्रेस लेवल हमारे अंदर हो उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए और नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए एक टाइम, एक घंटे का, डेढ़ घंटे का समय पहले ले करके आप निकलो, जिससे कि आप आराम से सेंटर पर पहुंच सको। सेंटर पर भी थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, फ्रिस्किंग और चेकिंग, थर्मल चेकअप की जाएगी, SOPs को मेंटेन करने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। तो जो भी आपके एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम दी गई है, उससे एक घंटे डेढ़ घंटे आप पहले निकलो। इसके बाद जो NTA की तरफ से ड्रेस कोड बताई गई है कि लाइट क्लोथ्स आपको पहन के जाना है। लाइट क्लोथ्स में उन्होंने बताया है कि जो ड्रेस कोड उन्होंने बताया है कि आपको फॉलो करना है, लाइट क्लोथ्स में विद हाफ स्लीव्स। तो लाइट क्लोथ्स में विद हाफ स्लीव्स जो है वो उस ड्रेस कोड को आप मेंटेन करो, फुल स्लीव्स आपको पहनकर नहीं जाना है, फ्री होकर के जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोले गए उन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बोले गए? एडमिट कार्ड लेकर के जाना है आपको, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक ID प्रूफ लेकर के जानी है। आप अपना वाटर बॉटल लेकर के जा सकते हो, आप अपने लंच बॉक्स भी लेकर के जा सकते हो जिसे आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले खा सकते हो, और अपना वाटर बॉटल लेकर के जाना है, सैनिटाइज़र लेकर के जाना है, हैंड ग्लव्स लेकर के जाना है, फेस मास्क लेकर के पहन करके जाना है। तो इन जो ये जो SOPs दिए गए हैं NTA की तरफ से, उन SOPs को आप फॉलो करो। अभी भी 11 सितंबर 2020 के दिन भी MOHFW की तरफ से, जो हमारी डिपार्टमेंट जो है मेडिकल डिपार्टमेंट, उनके तरफ से एक गाइडलाइंस आई है नीट के एग्ज़ाम को लेकर के कि आपको 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये कुछ न्यू SOPs दोबारा से उन्होंने जारी की है, मगर जो SOPs आपको ऑलरेडी NTA की तरफ से मिली है वो SOPs आपके लिए काफ़ी है। उन SOPs को आप मेंटेन करो, और जो ड्रेस कोड बोला गया है, जो डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं, उन ड्रेस कोड में ही जाओ, उन डॉक्यूमेंट्स को आप पहले ही एक दो प्रिंट आउट कलर कॉपी निकाल करके रख लो, जिससे कि कोई आपको प्रॉब्लम उस टाइम ना। साथ में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, तो उससे पहले आज ही आपको 2-3 काम और भी कर लेना चाहिए, जिससे कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो आप बिल्कुल तैयार रहो, प्लान्ड रहो, प्रिपेयर रहो कि किस तरीके से आपको पेपर पे अटैक करना है, किस तरीके से आपको पेपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस से डील करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने बताया कि आप अपने पेरेंट्स से बातचीत करो, अगर आपकी जो ये पॉजिटिव पॉइंट है दूसरों से बात करना, तो आप अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे, तो आप ज़रूर बात करो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जितना ज़्यादा बात करते हैं उनके उतनी ज़्यादा नर्वसनेस बढ़ती है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये स्टेप नहीं है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से आते हो जो इसके बारे में बात करते हैं और उनकी नर्वसनेस बढ़ती है, तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो बात करते हैं तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है, तो आप ज़रूर बात करो। बाकी दूसरे स्टूडेंट जिनकी नर्वसनेस बढ़ती हो, वो प्लीज़ इस स्टेप को अवॉइड करें। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, तो आप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ो, थोड़ा समय लो, 5 मिनट 10 मिनट का समय लो, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली अच्छे ढंग से पढ़ो, अच्छे तरीके से समझो, और उसके बाद पेपर के क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करो। जब आप क्वेश्चंस को भी पढ़ते हो, तो क्वेश्चंस को भी थोड़ा समय लेकर के अच्छे से पढ़ना चाहिए कि उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ा, समझा, और फिर उसके बाद उस पर अपने जो आंसर्स हैं वो आंसर्स दिए या उसके सॉल्यूशंस पे ध्यान गया। तो इस तरीके से आपको एक टाइम स्लॉट बनाना होगा कि कौन से सेक्शन पे आपको कितना समय देना है या कौन से क्वेश्चंस पे आपको कितना समय देना है, और उस टाइम स्लॉट, उस वो जो समय का स्लॉट आपने बनाया है कि कौन से सेक्शन में कितना समय देना है, उसी टाइम स्लॉट के साथ आपको स्टिक रहना होगा। ऐसा ना हो कि किसी एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, जिसके वजह से बाकी क्वेश्चंस आपके छूट जा रहे हैं, जैसा कि फिजिक्स में होता है। तो जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है, उस सेक्शन को आप पहले कंप्लीट करो, उसके बाद जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है उसके ऊपर जाओ, और उसके बाद जो सेक्शन थोड़ा सा वीक है उस पर लास्ट में जाओ, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगता है उसमें आप लास्ट में जाओ।
जब आप पेपर को कंप्लीट कर लो तो ट्राई करो कि पेपर को पेपर खत्म होने से 10-15 मिनट पहले ही खत्म कर लिया जाए, जिससे कि 10-15 मिनट पहले खत्म करने से आप पेपर को एक बार रिवाइज कर सको और सारी चीजें अच्छे से देख सको कि कहीं कुछ आपके तरफ से गलती तो नहीं हो गई, और अगर कुछ गलतियां हुई है तो आप उसे ठीक कर सको। तो इन चीजों इन बातों का ध्यान रखना आपको जरूरी है, इन बातों पर ध्यान दो। और कल 13 सितंबर 2020 के दिन जब आपकी एग्जाम होगी तो उस दिन के लिए, कल के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट यूजी 2020 एस्पिरेंट्स। आई विश कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करो। बाकी नेक्स्ट कल के बाद हम काउंसलिंग की जो बची हुई वीडियोस हैं, कौन कौन से क्या क्या कट ऑफ रहती है, क्या क्या काउंसलिंग में चीज़ें आपको देखनी होती है, उस पर फिर से चर्चा स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रिलैक्स रहें, एन्जॉय करें और कल के एग्जाम में अच्छा से अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।